हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम फिजिकम अकेडमी। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे फी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द आईआईटीज फॉर द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ द स्टूडेंट्स जो आईआईटी जेम 2022 को क्रैक कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट रैंक से। ओके, तो एमएससी फी का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप आईआईटीज से एमएससी करते हो तो वहाँ पे सेमेस्टर वाइज टोटल फी कितनी होगी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज की, वो मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ। और उसके बाद में अब ये जो फी है ये टेंटेटिव है, हल्का फुल्का सा वेरिएशन आपको जरूर मिलेगा क्योंकि ये मैंने वेबसाइट से ली है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा बहुत अपग्रेड होता है या थोड़ा सा डाउन जाता है, तो आप इस रेंज को याद रखना कि इतना अमाउंट आपको मिनिमम लगेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको बता रही हूँ सेमेस्टर वाइज फी, और फिर इसमें मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगी कि आईआईटी मद्रास की ज्यादा फी कहाँ जा रही है आपकी, गुवाहाटी, हैदराबाद एंड ऑल, ठीक है। तो देखिए, अगर आप आईआईटी मद्रास से, थोड़ा मैं इसको एक्सपैंड कर देती हूँ, दिख रहा है आपको, तो वेर मैं लिख नहीं पाऊंगी। अगर आप आईआईटी मद्रास से यू नो एमएससी कर रही हैं तो आपका जो सेमेस्टर की फी है जनरल ओबीसी की वो है 32,000, और सेमेस्टर फी फॉर एस सी एस टी टी डब्ल्यू डी इज 29,000। आईआईटी गुवाहाटी में इट्स 26,570 एंड सेमेस्टर वाइज इट्स 23,570 फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी। आईआईटी हैदराबाद में आप देख सकते हैं 28,600, एस सी एस टी के लिए 26,000, आई टी इंदौर में 28,600 समथिंग एंड यहाँ पे 26,000। ओके, आई टी पटना में जनरल के 30,000, यहाँ पे 27,000, मतलब आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3,000 कम है एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए। आई टी बॉम्बे में 46,000 है फॉर यू नो जनरल एंड ओ बी सी, बट एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी PWD के लिए 41,000, तो 5,000 का कंसेशन मिल रहा है एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी को आई टी बॉम्बे में। आई टी रुड़की की बहुत हाई फीस है, इट इज 54,480, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसेशन मिलता है आपके एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी को, जिसका है 54 से 30 आ गया है, 20,000 अप्रॉक्स कम है ना, तो सही है, बहुत सही है। आई टी कानपुर में 32,000 फॉर जनरल ओ बी सी सेमेस्टर वाइज फी, और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी में इट इज 29,196। अब हम आ जाते हैं आगे, तो देखो सबसे ज़्यादा यार फी अभी तक की हमें वहीं की दिख रही है, ठीक है। अब अगर आप देखते हो आई टी गांधीनगर की, इट इज 33,500 एंड ये हमारा जनरल ओ बी जनरल ओ बी सी के लिए, ये एस सी एस टी ओ पी डब्ल्यू डी के लिए, ठीक है। तो आई टी गांधीनगर 33,000, यहाँ पे 28,500 का कंसेशन है। आई टी दिल्ली में 20,000 और यहाँ पे 15,000, काफ़ी कम फी है। आई टी भुवनेश्वर 42,000 फॉर जनरल ओ बी सी एंड 42,000, मतलब है कोई कंसेशन नहीं, ओके कोई कंसेशन नहीं है। आई टी खड़गपुर में 32,900 एंड यहाँ पे भी 32,900। आई टी जोधपुर में 24,000, यहाँ पे 19,000 अप्रॉक्स 5,000 का कंसेशन है। आई टी रोपर में 28,000, यहाँ पे 26,000। आई एस एम धनबाद में 30,000, यहाँ पे 22,000, 8,000 का कंसेशन है। वाराणसी यानी कि बी एच यू आई एस आई आई टी वाराणसी यानी कि बी एच यू में 29,000 है पर सेमेस्टर, यहाँ पे 19,000, यानी कि अप्रॉक्स 10,000 कम है एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए पर सेमेस्टर। भिलाई का 61,000 है और 56,000 है फॉर पी डब्ल्यू डी एस सी एस टी, काफ़ी ज़्यादा है। आई टी पालाकड़ में 35,000 है, यहाँ पे 32,000 है। आई टी तिरुपति में 43,000, यहाँ पे 40,000 है। आई टी मंडी में 37,000, यहाँ पे 32,000 है। आई सी बेंगलोर की 29,000, यहाँ पे 20,000 है, मतलब आपको 9,000 का कंसेशन मिलता है। तो ये तो हो गया ओवरऑल फी स्ट्रक्चर। अब मैं आपको वन बाय वन बता दी थोड़ा सा डिटेल, है ना। तो हम आ जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फी कहाँ जा रही है। अगर मैं आई टी मद्रास की बात करती हूँ तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो है 3,000, ठीक है, पर सेमेस्टर। और जो आपकी हॉस्टल की फी है, मतलब इट्स लाइक जो ज़्यादा महंगा है वो हॉस्टल है, वो है 22,650, समझ रहे हो, आई टी मद्रास में। मैं ऊपर 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 से बता रही हूँ। अब मैं अगर आपको आईआईटी गुवाहाटी की बात करूँ तो ट्यूशन फी वही 3,000 है, और यहाँ पे जो हॉस्टल और मेस फी है वो है 17,920। उसके बाद में हमारा, अगर हम बात करते हैं हैदराबाद का, आईटी हैदराबाद का, तो 5,250 है यहाँ पे प्राइस, ठीक है, मतलब ट्यूशन फी। और हॉस्टल की जो फी है यहाँ पे वो है 19,575, मतलब आपका हॉस्टल में सारा पैसा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आईटी इंदौर की, तो यहाँ पे जो आपका ट्यूशन फी है वो 2,500 है, 2,500, और हॉस्टल की फी 23,614, ठीक है। वैसे यार इतना महंगा भी नहीं, क्योंकि यार आपको खाना भी दे रहे हैं, आपको हॉस्टल भी दे रहे हैं, और आपको पढ़ा भी रहे हैं। अगर आप वैसे ही इंडिविजुअली
कहीं पे रहने के लिए जाते हो तो यार रहोगे और खाओगे तो हो ही ना, तो वो जस्ट आपका हॉस्टल का फी, देखो अमाउंट तो बहुत ही कम है, 6 महीने का, 1 सेमेस्टर का 3,000 इज नथिंग, समझ रहे हो, इट्स लाइक 500 रुपीज पर मंथ, तो कुछ भी नहीं है वो तो IIT में पढ़ने का मौका। और देखो हॉस्टल का 22,000 है, तो इसका मतलब है पर डे 1,000 चार्ज करें अलोंग विथ फूड। तो जैसे आप किसी नॉर्मल से एक ओके ओके होटल में रहेंगे तो वहां पे भी इतना तो मिनिमम आपको 1,000 रुपीज तो मिनिमम देना पड़ेगा किसी भी होटल में अलोंग विथ फूड, है ना। और मसूरी में अगर आप चले गए तो वहां पे तो 5,000 देना पड़ता है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, समझ रहे हो। तो इसलिए महंगा नहीं है, ये मत सोचना कि ये महंगा है, बहुत तो कुछ महंगा नहीं है, दिस इज एक्सट्रीमली ओके, फी इज ओके, वेरी वेरी मतलब काफी कम है, क्योंकि मेन हॉस्टल भी दे रहे हैं ना, हॉस्टल नहीं देते, रहने को नहीं देते तो फिर महंगा होता, तब महंगा होता है ना। तो IIT पटना में 3,000 है और जो हॉस्टल की फी है वो 14,500 है, ठीक है। बॉम्बे की बात करते हैं हम, तो बॉम्बे की जो फी है ट्यूशन फी है वो 5,000 है, और आपकी जो हॉस्टल फी है, जो हॉस्टल फी है वो अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ा मेंशन, ये इनकरेक्ट है वो, है ना। उसके बाद में हम IIT रुड़की की बात करते हैं, तो IIT रुड़की में 6,000 है, यहाँ पे 6,000 है, और जो हॉस्टल की फी है वो 15,000 है, ठीक है। बाकी सारी फी और जगह पे इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर अगर हम IIT रुड़की हो गया हमारा, के बाद में कानपुर, कानपुर में मैं लिख देती हूँ ऐसे ही, कानपुर की बात करते हैं, तो 32,000 जो हॉस्टल फी है दैट इज 12,000 और ट्यूशन फी इज 3,000, ओके। तो इस तरह से है आपकी फीस, ओके। फिर IIT गांधीनगर की मैं बात करती हूँ, तो इट इज लाइक ट्यूशन फीस 5,000 एंड हॉस्टल चार्जेस 28,500 है, ठीक है। तो इस तरह से है, तो आप देख सकते हो ओवरऑल, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल क्या है गाइस, की इंडिविजुअली IITs की जो फी है वो आपको बताई गई है, ठीक है। तो ऐसे ही अब बाकी और की भी है, ठीक है। तो ओवरऑल इससे कंक्लूजन ही निकलता है कि जो आपका मेस है और जो आपका हॉस्टल है उसका अमाउंट ज्यादा है, और जो आपकी ट्यूशन फी है उसका अमाउंट बहुत ही कम है, मतलब मैक्सिमम 3,000 to 5,000 है, ठीक है। ठीक है, टू कहीं कहीं पे 2,500 भी है, तो 2,500 से 5,000 तक का अमाउंट आपकी ट्यूशन फी है, और मेस का आपका अप्रोक्सीमेटली 17,000 से लेके 30,000 तक पड़ रहा है, जो कि ओके है, लाइक फॉर मी इट्स ओके, बिकॉज वहाँ पे आपको रहने को मिल रहा है, साथ में आपको खाना मिल रहा है, क्वालिटी खाना मिल रहा है, वहाँ पे पूरा वेगन फूड मिलेगा, कहीं कहीं पे नॉन वेज भी मिलता है, ज़्यादातर वेगन। जैसे अगर आप IIT बॉम्बे में जाएंगे, तो मेरे एक स्टूडेंट है वहाँ पे, तो दे यूज टू गेट स्प्राउट्स ऑल्सो, स्प्राउट्स आप समझते हैं अंकुरित दालें, बिकॉज दे नो कि स्टूडेंट की हेल्थ के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, दे गेट कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट वाटर एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आपको हेल्थ के लिए चाहिए, यू विल गेट यू नो फ्रूट्स एंड मैनी मोर थिंग्स इन रेगुलर पैटर्न, ओके। तीनों टाइम का खाना, चाय, चाय के साथ स्नैक्स, एवरीथिंग यू विल गेट, ओके। एंड उस वो पूरा रूम वहाँ पे आपको अलमीरा और जो भी अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू विल गेट, ओके। तो गेटिंग इन टू IIT इज अ टफ टास्क, बट उसके बाद में फी के लिए अगर आप सोचें तो इट्स नॉट यू नो डिफिकल्ट, ओके। तो बाकी आपको डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर जनरल OBC SC ST PWD, आपको थोड़ा बहुत कंसेशन मिलता रहता है ना, और बाकी आपके मेरिट के ऊपर भी हल्का फुल्का कंसेशन मिलता रहता है। तो आप फोकस करें, अगर आप IIT निकाल चुके हैं तो फी की वजह से टेंशन नहीं लें, आराम से पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही और वीडियोज बनाती रहूंगी इसी चैनल पर, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। तो सी अब, बाय।